सर हमारी यही मांग है कि जो 2022 में जो चयनित शिक्षक है उनको नियुक्ति दी जाए, बस रामराज सरकार से यही निवेदन है। और हम एक भी मंत्री ऐसा नहीं है कि डेली 2-3 मंत्रियों से मिल ही रहे हैं, लेकिन बस आश्वासन दे रहे हैं अभी, लेकिन कोई ऐसे नहीं कह रहा हमसे कि हाँ मैं 100% तुम्हारा काम कर दूंगा। कहीं भी जाते हैं लेकिन बस आश्वासन सब जगह से मिल रहा है, नहीं कोई नहीं बोल रहा हमको, लेकिन आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा है नहीं कि हमसे हमारा काम होता आ रहा है। हाँ भेदभाव हुए, देखो सर 2016 में दिया, 2018 में, 2021 की वेटिंग में भी दी, और भेदभाव तो है कि उस टाइम तो पेपर ही नहीं होता था, मतलब एक उस पे ही दे देते थे, एक ही पेपर होता था, पात्रता पे ही मतलब नियुक्ति दे दी थी। इस बार हमारा प्री हुआ, फिर हमारा बिल्कुल मेन सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, उसके अनुसार ही हमारे मतलब मेरिट आई, बस हमारा रोल नंबर क्या कि पी है और उनका मेरिट लिस्ट में और उनके पी नहीं है, उनको ज्वाइनिंग दे दी और हमारे पी का प्रोविजनल में डाल के हमको रख दिया। तो बस सर हमको इतने दिन हो गए ऐसे, तो धरने से बैठे तो 11-12 दिन हो गए, लेकिन हम 4-5 महीने से कांग्रेस सरकार से ही परेशान है। जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, क्योंकि हमको बाहर घर वाले भी नहीं निकलने, सब परेशान करते हैं, तो हम यहाँ तो बैठ जाते हैं, क्या करें आके। जिस सरकार को मैं कहना चाह रही हूँ, मतलब सरकार करिए क्या, सबका विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास कर किसका रही है ये बता दे आप हमें, जो नहीं देने दो ये बताओ विकास किसका कर रहे हो। शिक्षक है वो सड़कों पर आए हुए हैं और उनको सूद लेने का अधिकार नहीं है, जो इसका भविष्य बनाते हैं उनकी सूद नहीं ले रहे, विकास कर रहे हैं किसका रहे हैं वो विकास, ये तो बता दे, जवाब दे दे जी। ज्वाइनिंग की मांग है मेरी, तो हमें ज्वाइनिंग दे सर। 9 दिन से नहीं हूँ मैं, तो पिछले 5-6 महीनों से भटक रही हूँ मेरी बच्ची को लेकर, हर अधिकारी हर मंत्री हर जगह गई हूँ पिछले 5-6 महीनों से, ऐसा लग रहा है मैं जयपुर में ही रह रही हूँ, है ना, मैं चूरू से हूँ पर मैं यहीं रह रही हूँ, पर कोई सूद ही नहीं ले रहा सर, भटक रहे हैं, नेता आते हैं जाते हैं, कोई सुनाई नहीं करता। लगता है कि है ना यहाँ पर मंशा ही नहीं है सरकार की हमें नियुक्ति देने की, क्योंकि मंशा होती है ना तो थोड़ा सा कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी मंशा नहीं लग रही है कि इनको नियुक्तियाँ देंगे, इसीलिए ये हठधर्मिता हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ हमें मतलब बताना नहीं चाहती पर फिर भी मैं बताऊँगी, क्योंकि अब अति हो चुकी है सर, कि किसी ने हमें ये भी कहा था कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें नियुक्ति दे देगी, और किसी ने ये भी कहा, मतलब सरकार के नुमाइंदे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, वो तो मुझे पता है, मैं डेलीगेशन में खड़ी थी, कुछ ने ये भी कहा है कि तुम 2 दिन रहो धरने पर, चाहे 5 दिन रहो, चाहे तुम मर जाओ, तुम्हें नियुक्ता नहीं देंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ही प्रेशर आ गया है हम पे कि बिल्कुल हम स्ट्रेस में हो गए हैं, तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बोलते, लेकिन ये हमें खुद बोला है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एडिशनल को नियुक्ति दे देगी, और उन्होंने पहले दे दी, अब वालों को हम रोकेंगे, अब वालों को रोकेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी तो एडिशनल को मेरे हिसाब से बंद कर दे। मैं तो, मेरे से कोई पर्सनली पूछता है ना एडिशनल करें क्या, मैंने तो हाथ जोड़ के बोल दिया, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, मत लेना, पिछली वालों ने जो ले ली है ना उनकी तरह अब एडिशनल कोई डिग्री मत लेना, ये दुखी कर रहे हैं और कुछ नहीं होगा, क्योंकि 16-18 में दे दी है और अभी भी प्रोसेस में चल रहे हैं कुछ बच्चे, मैं तो उनको मना करूँगी, मत लो, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कोई मेरे को नहीं लग रहा है कि ये हमें देंगे, बिल्कुल मंशा नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें साफ मना कर दिया है। थैंक यू जी। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार हमसे क्या चाहती है, ये तो ना तो सरकार हमें बता रही है और हम बार बार में उनके चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं। अब मैम ने जैसा अभी कहा कि अधिकारियों ने सच में हम लोगों को ये बात बोली है, इवन ये तक बोला है कि आप बैठ जाइए हमारी कुर्सी पर आके, आप तो एडिशनल हैं। अब वो लोग क्या चाहते हैं हमको नहीं लगता है, कोर्ट है क्या मामला है कि नोट का मामला है, ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तो ये नोट का ही मामला लग रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले वकीलों के पास जाते हैं, वो लोग इस मामले को पेचीदा इसलिए बना देते कि हर साल बच्चे आएंगे, हर साल हम मामला उलझाएंगे और हर साल हमारी जेब गर्म होगी, लेकिन उनको इतनी सी शर्म नहीं है कि वो खुद भी तो कंपटीशन पास करके आए। चलो नेता लोग नहीं सुन रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो अधिकारी है वो तो एटलीस्ट एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं, वो तो इस मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। क्या एक अधिकारी IAS IPS बनने के बाद ऐसा हो जाता है कि, तो ऐसा IPS IAS बनने का उसका क्या मतलब रह जाता है? सर हमारा पोस्टर चिक चिक के बता रहा है कि एडिशनल स्नातक चयनितों को नियुक्ति दो। ओके, 9 दिनों से क्या, हम तो जब से अक्टूबर है तब से हम तो ज्वाइनिंग की मांग को ही लेके गुहार कर रहे हैं, कभी अधिकारियों के पास, कभी मंत्रियों के पास, कभी MLAs के पास,
यही चीज जो हम हमारी है, हम उसी को लेने के लिए प्रयासरत हैं। तो हम एडिशनल स्नातक धारियों की नियुक्ति के लिए यहाँ बैठे हैं 9 दिनों से। सर मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि हम उस माटी के वृक्ष नहीं हैं जिन्होंने नदियों ने सींचा है। हमने बंजर भूमि में पलकर मृत्यु से जीवन को खींचा है। तो हमने जो हार्श कंडीशंस, हार्श सर्क्यूमेंटेंस में इतना कुछ स्ट्रगल किया है, इकोनॉमिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हो, हमने हर प्रॉब्लम को फेस किया है उस एक जॉइनिंग के लिए। तो जब इतना स्ट्रगल यहाँ तक आए हैं तो आगे भी हमको लेके जाएगा ही, क्योंकि हमने इतना कुछ जो कुछ दिया है तो उसके आगे भी हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। सर ये ना केवल थर्ड ग्रेड को, मतलब इस बार हम लोगों, चलो थर्ड ग्रेड में हमको लगा कि नहीं हो रहा हमारा एडिशनल की वजह से, बट हमारा सेकंड ग्रेड में भी, हम लोग का ही सेकंड ग्रेड भी, तो हमारे सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ऑफिस जाते हैं, उन्होंने बोला हमने आपका रिकमेंड भेजा था उर्दू वालों का, तो बीकानेर निदेशालय उसे वापस भेज दिया। अब तक आरपीएससी ने कभी सेकंड ग्रेड को रोका ही नहीं। हम 35 कैंडिडेट ऐसे हैं, एडिशनल को रोक रखा उन्होंने, बताइए। वहाँ पे थर्ड ग्रेड को तो हम बर्दाश्त कर लिया, अब सेकंड ग्रेड में भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो बताइए अब हम फर्स्ट ग्रेड की करेंगे नहीं, फर्स्ट ग्रेड में भी अपना नया रूल लागू कर देंगे। वो पहले वाली जो और अभी वाली दोनों सेम है हमारी विज्ञप्ति, लेकिन उस विज्ञप्ति में हमें कहीं कोई चैलेंजेस का नहीं है, तो हमें थोड़ी ऐसे पता चलेगा, सपना थोड़ी आएगा कि इस बार हमको यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो हम तो सेकंड ग्रेड के लिए ही तो इलिजिबल थे और हमने कंपटीशन फाइट किया है, वहाँ पर भी हमें होल्ड कर रखा है।